हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवंथ साइंस की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। आज लेसन नंबर सेकंड की बात होगी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात होगी। क्लियर? उसके अंदर देखो क्या क्या बता दिया गया है। इंट्रोडक्शन दिया गया है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया है, न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स दिया गया है। क्लियर? तो पहले अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जैसे अपन पहले स्टार्टिंग हमने पुराने जो बुक्स वगैरह है, सिक्स क्लास की अपने बुक्स वगैरह पढ़ी हुई, उसके अंदर भी ये चीज दे रखी है, पर उसके जो टॉपिक है वो शॉर्ट में दे रखे हैं। अब जैसे बड़ी क्लास में आते हैं तो इसी चीज को क्या हुआ, लार्जेस्ट ग्रुप में हमको क्या पढ़ते हैं, स्टडी करनी पड़ती है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, प्लांट मेकिंग द फूड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। प्लांट कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, अगर किसी भी एनिमल्स पर, वो सिर्फ रहते हैं तो नेचर पे रहते हैं, सनलाइट पे रहते हैं, ये इन पे रहते हैं डिपेंडेंट। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से क्या कर लेते हैं, वो खुद अपना क्या कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, इसलिए ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। क्लियर? एनिमल आर डिपेंडेंट अदर एनिमल एंड प्लांट। जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिपेंडेंट ही रहते हैं, मतलब अदर एनिमल पे डिपेंडेंट ही प्लांट्स भी क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हो गया ये कि रीजन क्या है, क्योंकि वो फूड खुद बना नहीं पाते हैं या खुद क्या करते हैं, खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है वो नहीं कर पाते हैं। तो रिक्वायर्ड अ फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ग्रोथ और रिपेयरिंग डैमेज बॉडी पार्ट। अब फूड की जरूरत क्यों होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, फूड की नीडनेस की जरूरत क्यों होती है, नीडनेस क्यों होती है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत होती है। पहली चीज किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है और ग्रोथ। अब फूड नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी और क्या हुआ, और रिपेयरिंग वाला और डैमेज नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इस सब की आवश्यकताओं के लिए, नीडनेस के लिए क्या होती है, इस फूड की जरूरत नीडनेस होती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड एनिमल इज यूटिलाइज्ड इन बॉडी इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। व्हाट इज द न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, द प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, फूड का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चंस क्या आते हैं, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, याद रखना, टेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग द फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया है? इतना आपको समझ में आ गया है ना चीजें, तो मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन आपने बताया मैंने आपको, और न्यूट्रिशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन ऑफ, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सेकेंड प्रोसेस आ जाती है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, फाइव स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसमें एनिमल टेकिंग द फाइव स्टेप कंप्लीट द प्रोसेस इन न्यूट्रिशन। फाइव स्टेज में क्या होती है, कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहली बात करते हैं इंजेक्शन, क्या बात करते हैं, IGESTIONs इंजेक्शन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी कॉल्ड, सिंपल सी डेफिनेशन है, खाने को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। और सेकेंड में आएगा डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, पाचन मतलब डाइजेशन में निगलना, खाना और पाचन आता है इसका। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो लार्जेस्ट हो और इनसॉल्युबल हो, मतलब घुले नहीं किसी चीज के अंदर, तो उसको क्या करना, इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल एंड वाटर सॉल्युबल, उसको छोटे पार्टों में तोड़ना और वाटर सॉल्युबल बनाना, उसका भी क्या करना, डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। क्लियर हो गया डाइजेशन के बारे में भी आपको? तो फिर बात आता है एब्जॉर्प्शन। अब भैया डाइजेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया, फिर अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, मतलब कि ना जो डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब जो एनर्जी वगैरह जो उसकी बॉडीज होती है, उसकी बॉडी क्या कर लेती है, ब्लड स्ट्रीम क्या कर लेता है, उस चीज को एब्जॉर्ब करने लगता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर? कि एसिमिलेशंस बोला जाता है, द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इनटू बॉडी सेल्स टू यूज द एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। अब उसका उपयोग कहां, एनर्जी का उपयोग कहां करेंगे, एनर्जी का उपयोग अगर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसको ग्रोथ और रिपेयरिंग में करेंगे, वो प्रोसेस अपनी क्या करेगी, एसिमिलेशंस कहलाती है। क्लियर हो गया? हमने चार स्टेप बता दिए आपको क्लियर करके। अब बात करते हैं इंजेक्शंस। अब ऐसी चीज होती है जो भैया की जो फूडिंग कंप्लीट करने के बाद जो ऐसे फूड्स होते हैं, जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं
यूज नहीं हो पाते हैं, वेस्ट हो जाते, वेस्ट रहते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इंजेक्शन निकालते, इंजेक्शन के प्रोडक्ट जो होते हैं वो वेस्ट फॉर्म होते हैं और बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेक्शन कहलाती है, इंजेक्शन कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? इतना क्लियर होने के बाद इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप चीजें को क्या करना है, स्पेशली थोड़ा सा माइंड क्लियर करके हल्की सी डेफिनेशन को क्या करनी है, याद करनी है या लर्न कर लेना उस चीज को। ठीक है, छोटी छोटी चीज पूछी जाती है। ठीक है, और ये बेसिक चीजें ही अपन को क्या करती है, किसी भी नंबर्स के अचीवमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। ठीक है, उसके बाद करते हैं न्यूट्रिशन इन सम एनिमल, अदर एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है उसकी बात करते हैं। एनिमल स्पेसिफिक टू टाइप्स देखे जाते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं और यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनि मतलब यूनिसेल्यूलर मतलब होता है एक कोशिकीय होता है, से अमीबा और पैरामीशियम क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर मीनिंग यही होता है कि वन सेल से ही क्या हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो और एक्जिशन हो, ये सब प्रोसेस वन सेल करती है वो तुम्हारी यूनिसेल्यूलर कहलाती है। और मल्टी सेल्यूलर लोग कहलाते हैं जिसकी प्रोसेस क्या होती है, बहुत सारी सेल्स उनकी करती है, डाइजेशन की ले लो, रेस्पिरेशन की ले लो, ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत सारी सेल्स करती है वो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स कहलाते हैं, और जो एक सेल्स करती है वो यूनिसेल्यूलर एनिमल्स कहलाते हैं। यूनिसेल्यूलर जो भी एनिमल्स होते हैं उसके फॉर एग्जाम्पल यही है, अमीबा है और पैरामीशियम है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9-10 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल बताइए आप। क्लियर, अब अमीबा की बात करते हैं, अमीबा की बात करते हैं अपन, उसमें फूड का सिस्टम ये होगा, फूड का डाइजेशन, फूड का एब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस कैसे होती है आपने पहले देख लिया भाई। ये एनिमल्स क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं जो आपको से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये सब चीजें आपको माइक्रोस्कोप में देखनी पड़ती है। उसके अंदर क्या होता है, एक कोई स्पेशल इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, अमीबा का स्पेशल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो चाहे किसी भी स्ट्रक्चर में रह सकता है। ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस होती है, न्यूक्लियस होता है और उसे प्लाज्मा होता है, उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा वगैरह पाया जाता है। क्लियर, और जिससे ये फूड पार्टिकल्स है, जैसे फूड पार्टिकल्स फास्ट में आता है तो ये अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, इसका पैर होता है, ये पादा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, पादा। सिर्फ हम पैर का यूज करने के लिए करते हैं, इसी प्रकार सूडोपोडिया का यूज ये आगे गमन करने के लिए करता है, ये फूड को कैप्चर करने के लिए करता है। ठीक है, जैसे इसमें ये फूड पास में आता है तो ये अपने पैरों को आगे कर लेता है, उसके बाद क्या कर लेता है, फूड कैप्सूल बन जाती है, क्या बन जाती है, फूड वैक्यूल्स बन जाती है, क्या बन जाती है, गोला लाउन सा बन जाते हैं, वैक्यूल जगह बन जाती है, फूड इसके अंदर क्या आ जाता है, समाहित हो जाता है। क्लियर हो गया इतना आपको, की बात में क्या होता है, जो भी खाद्य धान्य फूड वैक्यूल्स होती है वो आसपास के जमा हो जाती है, जो खाद्य धान्य होती है उसमें रस पाया जाता है, ठीक है, केमिकल एंजाइम पाए जाते हैं, वो खाने का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन करने के बाद अब क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एनर्जी मिल गई, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर की जो वाटर जो होता है उसकी चॉइसी के बॉडी क्या होता है, वो बॉडी से बाहर की ओर निकल जाता है। ये मैं आपको लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा है कि लिखा है, क्यों लिखा है, रीजन यही है कि जो डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, अपन यहाँ पर इंजेक्शन होता है तो वहाँ बॉडी से बाहर निकालना क्या इंजेक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गया इतना आपका, इसे मैंने किसकी बात करी है, सिंगल सेल एनिमल्स की बात करी है, अब बात करें मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स की बात करेंगे, उसमें बटरफ्लाई होती है, बीज होती है, हमिंग बर्ड्स होती है। आप लोगों ने हमेशा इन चीजों को देखा होगा, बी आपने देखी होगी, हमिंग बर्ड्स आपने देखी होंगी, तो उनका क्या काम होता है, नेक्टर्स होते हैं उनके, जो इस टाइप की वो शक्ल्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, फ्लावर से क्या निकालते हैं, जो भी शुगरी जो लिक्विड होता है वो उसको सर्व कर देते हैं। क्लियर हो गया आपको, ये कौन कौन से, बटरफ्लाई, बीज और हमिंग बर्ड्स का काम होता है। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, स्पाइडर जो होता है, स्पाइडर मतलब मकड़ी कहलाती है। ठीक है ना, तो आपने कभी भी देखा होगा कि पुराने जो जहाँ पर कभी साफ सफाई नहीं करते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो स्पाइडर्स होती हैं वो क्या करती है, जाले बनाती हैं, वेब्स बना लेती हैं, क्या बना लेती है, बिल्ड द वेब्स, मतलब जाला बना लेती हैं। तो बनता किसके, उसकी बॉडी के अंदर ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसमें क्या निकलता है, प्रोटीनेसियस, प्रोटीनेसियस जो प्रकार का पदार्थ निकलता है, जो एयर की
एयर के कॉन्टेक्ट में आते क्या होता है, तो सोलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? सोलिड हो जाता है। सिल्क काम करता है, उससे क्या बना लेता है, ये जाला बना लेता है। और उसके अंदर जो भी नेट के अंदर जो भी अदर एनिमल्स में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं या उड़ जाते हैं, उनका क्या फूडी कर लेता है, कौन? स्पाइडर। क्लियर हो गया आपको ये चीज? स्पाइडर की बात कर दी मैंने आपको, बटर बीस हमें बर्ड्स की बात कर दी है। अब लास्ट को बात करते हैं फ्रॉम द ग्लैंड्स, इसकी बात कर दी मैंने आपको पहले कर दिया स्पाइडर वगैरह, ठीक है। और मस्कुलर स्टिकी टंग होती है जो क्या करता है, इंसेक्ट को कैप्चर करता है और उसको क्या कर लेता है, डाइजेशन कर लेता है। एक क्लियर हो गया तो आपको बता दिया सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दी है, मैंने डेफिनेशन बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा इसको क्योंकि ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट चलता है। तो आपको ये प्रोसेस याद होनी चाहिए, पहले से डेफिनेशन याद होनी चाहिए क्या प्रोसेस होती है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।